हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाले बटन को दबा दे ताकि सारी जानकारी। जय माता लक्ष्मी। मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास जानकारी और बहुत सी साधारण सी जानकारी। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी को आप बस साधारण नहीं समझे, क्योंकि दोस्तों यह जानकारी आपके घर के अंदर धन का भंडार भरने का काम करती है, आपके घर के अंदर बरकत लाने का काम करती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर कुछ चीज़ें इस प्रकार से रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है और आपको आपके घर के अंदर सौभाग्य की वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, जिसका कारण होता है आपके घर का पूजा घर। दोस्तों, अगर आप अपने पूजा घर को अपने हिसाब से रखते हैं तो उसके अंदर कुछ बदलाव आपको अवश्य करने चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिले। दोस्तों, जिस प्रकार आप भी अपने परिवार के अंदर अपने सदस्य होते हैं तब आपको रहने का मजा परिवार के अंदर आता है। सारे सदस्य एक साथ निवास करते हैं तब आपका मन लगता है और आपको धार्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आप भी अपने पूजा घर के अंदर इस प्रकार से मूर्तियां अपने पास रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी राजयोग की प्राप्ति होती है और आपके घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली। दोस्तों, अगर आपका घर परिवार धन की कमी से जूझ रहा है, धन लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है और धन की वजह से आपको हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों अगर आप अपने घर के अलमारी तिजोरी या अपने घर के अंदर पूजा घर के अंदर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी के साथ हमेशा कुबेर देवता या फिर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए, ताकि दोस्तों आपको आपने देखा होगा कि दीपावली पूजा के अंदर भगवान गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता और माता सरस्वती की भी पूजा होती है। दोस्तों, जब यह आपके घर के अंदर जोड़े के रूप में निवास करते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त होता है, आपकी किस्मत बनती है और आपको देखते ही देखते कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है कि आप इन्हें जोड़े के अंदर अपने घर के अंदर निवास करने के लिए रखें। इसी तरह दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए, माता लक्ष्मी आपका घर कभी भी छोड़कर नहीं जाए और माता लक्ष्मी सदैव जिस प्रकार आप परिवार के सदस्य निवास करते हैं उसके भांति आपके घर के अंदर रहें, तो दोस्तों आपको अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की आपको जोड़े के अंदर मूर्ति रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर के अंदर, क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति है और पति के साथ रहना कौन नारी नहीं चाहती, तब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जोड़े के अंदर घर के अंदर तस्वीर रखते हैं तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर स्थायी वास बना लेती है और आपके घर को त्याग कर भूल कर भी नहीं जाती, बल्कि आपके घर के अंदर दिन दूनी और रात चौगुनी गति से धन की वृद्धि देखने को मिलती है। तो आप जोड़े के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर जरूर रखें। दोस्तों, इस षष्ठी को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा जी माने जाते हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु जी माने जाते हैं और इस संसार के दुखों को और इस संसार की परेशानियों को समाप्त करने वाले भगवान महादेव, देवों के देव महादेव माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर भगवान विष्णु, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा जी की एक रूप के साथ एक तस्वीर अपने घर के अंदर रखते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपने संसार पर विजय प्राप्त कर ली, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आपके घर के अंदर निवास करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर नकारात्मकताएं कोसों दूर रहती है, आपको व्यापार के अंदर नौकरी के अंदर तरक्की देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको हर कार्य के अंदर धन लाभ की प्राप्ति होती है, इसकी वजह से भी इसका विशेष महत्व माना गया। और दोस्तों, इसी तरह
कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं। और दोस्तों हनुमान जी की तस्वीर रखने से भी आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन दोस्तों हनुमान जी को हमेशा राम भक्त माना जाता है, भगवान राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। और हनुमान जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई राम की भक्ति करता है तो समझ लीजिए कि उसने मेरी भक्ति कर ली। तो आप कभी भी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के अंदर लाते हैं तो आप अगर श्री राम के चरणों के अंदर बैठे दास हनुमान की तस्वीर लेकर आते हैं और श्री राम के साथ हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के पूजा घर के अंदर लाकर आते हैं और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको धन लाभ कई गुना प्राप्त हो जाता है। भगवान हनुमान जी का ऐसा सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते, और हनुमान जी निश्चित तौर पर आपके घर के आसपास निवास करने लग जाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपका वैवाहिक जीवन आपकी सोच के अनुरूप नहीं चल पा रहा है या फिर कई प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों प्रेम के प्रतीक प्रेम की निशानी माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक साथ रास लीला रचाते हुए बांसुरी बजाते हुए या एक साथ आशीर्वाद देते हुए तस्वीर आपको अपने घर के अंदर अपने शयन कक्ष के अंदर निश्चित तौर पर आपको जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और माता रानी राधा रानी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता है कि अगर आप नित्य सोते बैठते उठते नहाते उनकी तस्वीर को आप देखते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है और आपके जीवन के अंदर भी जो सारी परेशानियां आ रही थी वह समाप्त होने लगती है और आपको निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों आपने कई बार देखा और सुना होगा कि तुलसी अर्थात जागृत लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करती है, जागृत लक्ष्मी आपके घर के अंदर रहती है। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी के पौधे के पास आपको केले का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी के प्राण हैं तो केले के पौधे के अंदर भगवान विष्णु के प्राण माने जाते हैं। तब आप केले के पौधे के साथ अगर भगवान विष्णु का प्रतीक केले का पौधा लगाते हैं तो उसके साथ माता तुलसी का प्रतीक आपको तुलसी लक्ष्मी जी का पौधा भी जरूर लगाना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अपने घर के अंदर खंडित मूर्ति भूलकर भी नहीं रखें। अगर कोई देवताओं की तस्वीरें खंडित हो जाती है, कोई पोस्टर या तस्वीर फट जाती है तो तुरंत आप उसे नदी तालाब या पीपल के नीचे विसर्जित कर दें, लेकिन आपको उसे अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्तियाँ और ऐसी तस्वीरें घर के अंदर नकारात्मक मुक्ता को लेकर आते हैं और देवताओं के आशीर्वाद के बजाय उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए ताकि नकारात्मकता आपके घर के अंदर फैले और आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।